तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रुपए। और आज मैं साउथ की धमाकेदार मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है तुगलक तलवार। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा थ्रिलर। और इस मूवी को IMDb पे 5.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 77% के स्कोर दिए। और इस मूवी का डायरेक्शन किया है दिल्ली प्रसाद दीनदयाल ने। और इस मूवी की कास्ट में आपको बड़े बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे जैसे विजय सेतुपति, करुणाकरण, राशि खन्ना और भगपति प्रेमल। और ये मूवी एक एवरेज मूवी होने वाली है, और इस मूवी में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और इस मूवी से कनेक्ट होने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस मूवी को देखते टाइम भाई कसम से मैंने इस मूवी को बहुत इंजॉय किया, और ये मूवी आपको सच में इम्प्रेस कर देगी। और इस मूवी को जिस तरह भाई पर्दे पर प्रेजेंट किया गया ना, काबिल तारीफ है। और इस मूवी की स्टोरी भाई बहुत यूनिक है, और ये मूवी ना आपको एक अलग ही सफर पे ले जाएगी। और इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर ना भाई, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और इस मूवी की अगर स्टोरी की बात करें ना, तो इस मूवी में जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर ना, वो एक अनाथ है और जिसका ड्रीम होता है एक पॉलिटिशियन बनना, और जिसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। और वो लास्ट तक पॉलिटिशियन बन पाएगा या नहीं, और उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, इसी के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है। और मूवी में ना आपको विजय सेतुपति से लेके ना दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे भाई, फिजिकली मेंटली। और ये बीमारी कैसे क्रिएट होती है, या कोई डिप्रेशन की वजह से होती है या किसी एक्सीडेंट की वजह से, ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की जाए ना, इस मूवी में जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर ना, वो एक अनाथ है और उसकी एक बहन भी है, और ये दोनों आपस में बात नहीं करते। और इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे बिगड़ जाता है ये भाई बहन का, इसके पीछे क्या रीज़न होता है। और इस मूवी में जो करुणाकरण का कैरेक्टर ना, वो एक विजय सेतुपति का बेस्ट फ्रेंड है, और विजय सेतुपति जो भी चीज़ करता है ना, करुणाकरण का जो कैरेक्टर ना, वो उसमें हमेशा हेल्प करता है। और राशि खन्ना का जो कैरेक्टर ना, वो विजय सेतुपति के लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखाया गया है। और इस मूवी में जो परमूल का कैरेक्टर ना, वो एक कार्य करता है, जो विजय सेतुपति के सपने है ना, उनके सामने आड़े आता है, और विजय सेतुपति के जितने भी काम होते हैं ना, उसको कैसे बिगाड़ता है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और ये मूवी ना भाई एंटरटेनमेंट के मामले में भाई आपको इम्प्रेस कर देती है। और विजय सेतुपति की एक्टिंग की बात की जाए ना, जो वो अदर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग भाई कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि भाई दोनों कैरेक्टर ना सेम लगते हैं। और इस मूवी का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, क्लाइमेक्स भाई सब बढ़िया है। और विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर ना, कैसे भाई अपने आप से ही लड़ता है, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें ना, तो इस मूवी में जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर ना, वो एक अनाथ है और जिसकी बहन भी है, लेकिन ये दोनों आपस में बात नहीं करते। और इस मूवी में जो करुणाकरण का कैरेक्टर ना, वो विजय सेतुपति का बहुत अच्छा फ्रेंड है, और विजय सेतुपति का एक सपना है कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, और वो पॉलिटिशियन बनने के लिए ना जी तोड़ कोशिश करता है। जब विजय सेतुपति के कैरेक्टर को एक मौका मिलता है ना पॉलिटिक्स में आने का, तो कैसे उसके साथ एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। जब विजय सेतुपति का कैरेक्टर कोई काम कर रहा होता है ना, तो दूसरी पर्सनैलिटी आके कैसे बिगाड़ देती है उस काम को, और विजय सेतुपति उस बिगड़े हुए माहौल को कैसे भाई संभालता है, आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और जब वो अपने मोहल्ले से इलेक्शन लड़ता है ना, तो उसके मोहल्ले वाले उस पर बहुत ट्रस्ट जताते हैं, और कैसे वो अपने मोहल्ले वालों का ट्रस्ट तोड़ देता है, आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और विजय सेतुपति लास्ट तक सच के रास्ते पे आ पाएगा या नहीं, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और अगर इस मूवी के बेसिन की बात करें ना, जब विजय सेतुपति को पैसे की जरूरत होती है ना, तो कैसे वो एक उद्योगपति की लड़की को ना किडनैप कर लेता है, और उसी टाइम ना एक दूसरी पर्सनैलिटी वहाँ पे आ जाती है उसके शरीर में। और जब वो उस लड़की को किडनैप हुआ देखता है ना, तो कैसे गुंडों से बचा के उसको उसके घर लेके जाता है, और जब उसको उसके घर लेके जाता है, तो वहाँ पे उसकी असली पर्सनैलिटी आ जाती है। और उसका जो दोस्त होता है ना करुणाकरण, तो वो विजय से बोलता, भाई ये तूने क्या किया, तेरे को क्या हो गया था, मैं जितने भी आदमियों को लेके आया था, तू उन सबको मार के इस लड़की को यहाँ पे लेके आ गया, तेरे मन में चल क्या रहा है। भाई वो वाला सीन उस मूवी का बेस्ट सीन है, और इस मूवी को भाई एक बार जरूर चेकआउट करना। ये मूवी आपको बहुत कुछ नया दिखाती है, और इस मूवी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वरना इस मूवी को देखने का ना आपका मज़ा थोड़ा ख़राब हो जाएगा। और इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, इस मूवी में कोई गाली गलौज, कोई एडल्ट सीन नहीं है। और अगर आपने मूवी देखी है ना, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर इस मूवी की हिंदी डबिंग की बात करें ना, तो भाई इस मूवी की हिंदी डबिंग अनऑफिशियली है, लेकिन डबिंग बहुत अच्छी है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।